Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त अमीन वर्ल्ड फिर से प्रेजेंट हो गया है फ्रेंड्स। आज हम लोग एक पतंग बनाने वाले हैं और बहुत ही अद्भुत डिजाइन। उसमें ये सिलोफिन पेपर हम लोग यूज करेंगे। ये ग्रीन कलर का सिलोफिन पेपर है और ये है रेड कलर का सिलोफिन पेपर। और इसके अलावा जो है एक छोटा सा टुकड़ा है टिश्यू पेपर का। ये टिश्यू पेपर है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो है ये वाइट कलर का सिलोफिन पेपर है। तो इससे हम लोग जो है डिज़ाइन काटेंगे और ये टिश्यू पेपर जो है डिज़ाइन काटने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जो है इस रेड पेपर को, जो सिलोफिन पेपर है, इसको हम लोग काट करके इसमें चिपकाते हैं और आपको बताते हैं कि ये बिल्कुल नया डिज़ाइन का पतंग बनेगा। और इसको हम लोग यहाँ से कटिंग करेंगे। कटिंग करके जो है 1/2 करेंगे, इस पेपर को 1/2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग जो है ये देखिए 1/2 कर लिया। अब इसको जो हम लोग दो साइड में चिपकाएंगे। और कैसे चिपकाना है वो मैं आपको बता दूं कि एक को हमको इस तरफ से चिपकाना है, एक को इस तरफ से चिपकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये 3-4 पेपर है। ये वाइट कलर का सिलोफिन पेपर है और इससे हम लोग जो है एक हार्ट का डिज़ाइन काटेंगे और इसके लिए इससे मदद लेंगे। ये टिश्यू पेपर से फ्रेंड्स, ये दो टिश्यू पेपर है मेरे पास। तो एक टिश्यू पेपर ऊपर रखेंगे और एक नीचे रखेंगे। ये देखिए मैंने ये रख दिया और एक ऊपर से सपोर्ट के लिए रख दिया। ये रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग सोचेंगे कि इसको रखना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस ये बता दूँ कि ये इसको स्लिप नहीं होने देगा, जो भीतर का जो आपका सिलोफिन पेपर है उसको ये स्लिप नहीं होने देगा। ये देखिए मैंने इसका कटिंग करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने कटिंग कर ली है और इसमें से ये हार्ट निकला है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है, ये तो आपका टिश्यू पेपर वाला था, ये किसी काम का नहीं है, इसको एज ए फर्मा यूज किया गया था। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोग इस तरह से जो है ये 3 हार्ट लगाएंगे इसके पंख में, क्योंकि और एक यहाँ पे लगेगा फ्रेंड्स। और अभी इसको शेप में कटिंग करते हैं और इसको जोड़ करके आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा इसका शेप निकलता है। फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें कटिंग करके इसको लगा दिया गया है और इस तरह का शेप का पतंग निकलेगा फ्रेंड्स। और ये हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इससे पहले हमने कभी भी इस तरह की पतंग नहीं बनाई थी। और इसके लिए जो हमने कमान और ठड्डा तैयार किया है, ये 8 इंच का जो है आपका ठड्डा है, 8 इंच का ठड्डा है और इसमें 30 इंच का जो है आपका लगेगा। जितना बड़ा एक टावा पतंग के लिए कमान लगता है उतना बड़ा कमान लगेगा फ्रेंड्स। तो आप तो सोच के हैरान हो रहे होंगे कि ठड्डा इतना छोटा सा 8 इंच का और 30 इंच का जो है ये, जबकि 27 इंच, 26-27 इंच का आपका पौने की पतंग की तैयारी रहती है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ी है। यानी इसका जो पंख है बहुत बड़ा है और इसका जो ठड्डा है, ठड्डा का जगह बहुत छोटा है। तो क्या ये पतंग उड़ पाएगा? तो फ्रेंड्स, ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इसमें ठड्डा लगाते हैं और लगा के आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं टेप है और ये जो है 1/2 इंची चौड़ा टेप है, इसमें से काटा है और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। चल जुड़ जा सिम सिम, ये जुड़ गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरे घर से बाहर जो है अलमुमजार बीच है और अलमुमजार बीच बहुत खूबसूरत है। दुबई का जो है ये बीच बहुत ही खूबसूरत है, मेरे को बहुत पसंद है। और अभी मैं बाहर निकलूँगा, बरामदे पे जाऊँगा और जा कर के जो है आपको यहीं से अलमुमजार बीच का थोड़ा सा जो है व्यू दिखाऊँगा। और ये दरवाज़ा खोलना फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हमने ठड्डा तो जो है लगा दिया, अब कमान लगाने की बारी है और कमान ये पूरा पंख तक आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये बड़ा सा कमान लगेगा फ्रेंड्स। तो चलिए अभी कमान भी लगाते हैं और लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ठड्डा के बाद अब कमान को लगाने की बारी है। तो हम लोग कमान यहाँ पे लगा रहे हैं। कमान 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 की लगने की बारी है। तो फ्रेंड्स, कमान बिल्कुल एकदम कोने पे लगेगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पे टेप से इसको लगा दिया और लगाने के बाद जो है अब एक और टेप लगा दूंगा ताकि ये मजबूत बना रहे। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये जो है ये लग गया और ये मजबूत हो गया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग जो है कमान का दूसरा हिस्सा लगाएंगे और लगा करके भी आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए फाइनली ये बन के तैयार हो गया।
अब जस्ट इसमें कन्ना बांधना है और कन्ना बांधने के बाद जो इसको उड़ा करके देखना है, उड़ाएंगे हम बाद में जा करके, बीच में उड़ाएंगे या तो कहीं और जा करके उड़ाएंगे। तो कैसा लगा अभी इसमें कन्ना बांध करके भी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अब हम लोग कन्ना बांध रहे हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पेपर थोड़ा सा मुड़ा थोड़ा सा था, मेरे पास और पेपर तो था ही नहीं बिल्कुल। जब भी देखिए इस तरह के नए नए तरह के डिज़ाइन सोच सोच करके बनाना पड़ रहा है, और क्योंकि हमारे पास पेपर बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। ये सिलोफिन पेपर का ये आज जितना था सब खत्म हो गया, और ये नया डिज़ाइन भी बना लिया हमने। और अगर ये पेपर मुड़ा तुड़ा नहीं होता तो पतंग और भी बहुत साफ बन जाता, लेकिन ये हमारे बैग में था और बिल्कुल एकदम मोड़ तोड़ करके रखा हुआ था, तो इस करके जो है इसका आपका मुड़ा तुड़ा ही बना है। ये जैसा भी बना है खैर, बस अब ये उड़ा करके इसको ट्राई करके देखना है। और ये देखिए मैंने कन्ना इसका बांध दिया, और कन्ना देखिए सिर्फ 4 इंच का कन्ना है इसका, 4 इंच भी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच है पूरा, ये ठंडा 8 इंच का है। और ये देखिए इसका लंबा कन्ना बांध दिया, और बिल्कुल अब ये उड़ने के लिए वहाँ से तैयार हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग उड़ा करके आपको दिखाएंगे। मस्त है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। इसको जो है हम लोग पूरा आपको वीडियो बाद में किसी और दिन बना करके दिखाएंगे जब हम इंडिया वापस चले जाएंगे, और इंडिया पहुंच करके फिर इसकी वीडियो एक नए तरीके से बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल में बना करके दिखाएंगे। आज हमारे पास टाइम की बहुत कमी है फ्रेंड्स। हम लोग रूम के बाहर आ गए हैं और मेरी पतंग बिल्कुल एकदम तैयार है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आपको अलमंजार बीच दिखाए। अलमंजार बीच दुबई है, ये बिल्कुल हमारे घर से जो है 5 मिनट का डिस्टेंस है। अगर मैं पैदल जाऊँ वहाँ तक तो 5 मिनट का डिस्टेंस है। ये अलमंजार बीच दुबई है, बहुत ही खूबसूरत है। और फ्रेंड्स दुबई का तो हर जगह बहुत खूबसूरत है, और उधर जो है अलमंजार बीच शारजा है, वहाँ पर अलमंजार बीच शारजा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं वो अलमंजार बीच शारजा और ये अलमंजार बीच दुबई। A few moments later. तो फ्रेंड्स हियर वी गो नाउ। और फ्रेंड्स इस पतंग का नाम मेरे कैमरामैन ने रखा है बूमरैंग काइट। फ्रेंड्स बूमरैंग काइट इसका हमारे कैमरामैन ने नाम रखा है क्योंकि ये कुछ कुछ बूमरैंग की तरह दिखता है, लेकिन ये बूमरैंग जो है हवा में उड़ने वाला है। और हियर वी गो नाउ, और ये चला हमारा बूमरैंग काइट, और ये देखिए आप इसको कितना मस्त है फ्रेंड्स, अरे 1 सेकेंड में उड़ जाता है। और ये देखिए ये गया चक्कर लेकर के फिर से आसमान में चढ़ गया ये, और बूमरैंग काइट बहुत ही मस्त है, आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया है फ्रेंड्स उड़ने में, इसको उड़ा करके बहुत मज़ा आता है, और ये कमाल का उड़ने में है फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं। और इसमें से आवाज़ भी आती है, हो सकता है आपको आवाज़ इसकी नहीं सुनाई दे, लेकिन इसमें से बहुत प्यारी आवाज़ आती है मैं आपको बता दूँ, ये फुरफुरा के उड़ती है और बहुत ही मस्त है। ये देखिए बूमरैंग का चक्कर, बूमरैंग ने चक्कर डाल दिया, बहुत बढ़िया चक्कर डाला। अब बूमरैंग को थोड़ा सा और दूर ले जाता हूँ बूमरैंग काइट को, और फिर वहां से इसको खींच के देखूंगा कि ये खींचने में कैसा है। जाता ही चला जा रहा है फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया उड़ता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इतना खूबसूरत उड़ता है ये, बिल्कुल एकदम आप देखिए पानी के बिल्कुल एकदम ऊपर उड़ रहा है, नीचे पानी ऊपर बूमरैंग काइट। अब इसको यहाँ से खींचता हूँ मैं, वाह एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन आ गया, अब फिर से इसको वहाँ पे वापस भेजता हूँ। फ्रेंड्स अब हम लोग बूमरैंग का चक्कर चेक करते हैं, देखते हैं कि बूमरैंग चक्कर लेने में कैसा है, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि बूमरैंग को दिखाने के लिए बूमरैंग काइट को। तो फ्रेंड्स इसका चक्कर जो है इस तरह से होता है कुछ, ये देखिए कितना मस्त चक्कर है फ्रेंड्स इसका, और अब इसका जो है हम लोग दूसरी तरफ का चक्कर चेक करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त चक्कर लेती है ये। अभी एक थोड़ा सा दूर और ले जा करके चक्कर चेक करेंगे। ये देखिए अगर बूमरैंग कट जाएगा तो इस तरह से जाएगा। अब इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ और थोड़ा सा दूर ले, सामने देखिए कितना बड़ा एरोप्लेन। आप देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा सा एरोप्लेन। ये एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता हुआ आप एरोप्लेन को देखिए, बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स। कितना बड़ा एरोप्लेन। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक बार और इसका चक्कर चेक करते हैं। ये देखिए इसका चक्कर देख रहे हैं आप कितना मस्त है एकदम। पानी तक, पानी के बिल्कुल पास जाएगा वहाँ से उठा लूँगा मैं। ये उठाया मैंने इसको और बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। अब इसका जो दूसरा वाला चक्कर है उसको भी चेक करता हूँ मैं। चलो दूसरा चक्कर भी दिखाओ मेरे सब्सक्राइबर्स को। बहुत ही मस्त उड़ता है फ्रेंड्स। ये देखिए कैसे गोल 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 घूम करके एकदम बिल्कुल पानी के पास जा गया, तभी उठाऊंगा मैं इसको। ये बिल्कुल एकदम इसका एक पंख पानी को टच करता हुआ आया है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका ये राइट चक्कर, पहले आपको मैंने लेफ्ट चक्कर दिखाया और बहुत ही मस्त उड़ता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको जो है आपको दिखा दिया है कि हमारा जो बूमरैंग काइट है वो हर तरफ से पास हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत दुबई का ये अलमंजार बीच, मेरे को बहुत पसंद है ये अलमंजार बीच। वहाँ पे लोग आगे स्विमिंग करते हुए आप देख सकते हैं, पानी में दो लोग जो हैं स्विमिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जहाँ पे मेरी पतंग है उस जगह आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको उतार ले रहे हैं और ये देखिए मैंने उतारना शुरू कर दिया इसको और उतर रहा है बहुत तेज़ी के साथ। आहा उतर आया मेरा बूमरैंग काइट। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मंजार बीच दुबई ज़रूर घूमने आइए आप लोग। दुबई का मंजार बीच क्या, दुबई पूरा के पूरा दुबई बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत दुबई है। कभी भी मौका मिले तो मौका मत चूकना, ज़रूर दुबई घूमने आना। और दुबई बहुत मस्त जगह है। मैं पिछले ऑलमोस्ट मेरे को अभी 20 दिन हो गए हैं, अभी और भी कुछ दिन रहना है मेरे को यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये पतंग देखिए बहुत ही खूबसूरत है और इसको हम लोग कहते हैं बूमरैंग काइट। हालांकि ये नाम नहीं होता है लेकिन ये कुछ कुछ बूमरैंग की तरह दिखता है, तो मेरे कैमरामैन ने बोला कि ये बूमरैंग काइट इसका नाम रख दो, तो मैंने रख दिया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं, बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।